Assalamu alaikum everyone, I hope you guys are all fine and in the best of your health. Welcome back to my YouTube channel and welcome back to another amazing video of wedding series. आज मैंने ये जो बहुत प्यारा सा मेकअप लुक क्रिएट किया है ये मैंने निका ब्राइड्स के लिए किया है. स्पेशली व्हाइट और रेड का बहुत ही बम्बास्टिक किस्म का कॉम्बो मैंने किया है और लुक बहुत ही प्यारी निकल के आई है. तो अगर आप लोग इस ट्यूटोरियल को देखना चाहते हैं, एंजॉय करना चाहते हैं, तो वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक एंजॉय करना है. स्टार्ट विद द हेयर स्टाइलिंग. आज मैंने सोचा था कि थोड़ा से डिफरेंट हेयर स्टाइल बनाऊं बाकी जो मेरी लुक्स हैं उनसे. तो आज मैंने सोचा कि मैं ना साइड वाइज मांग निकाल के वहाँ से कुछ हेयर स्टाइलिंग करते हैं. अभी मैंने यहाँ पर मांग निकाली और बिल्कुल क्लीन मांग होनी चाहिए, कोई बाल वगैरह बीच में क्रॉस नहीं होने चाहिए, वो बहुत अनटाइडी सा लगता है. अभी यहाँ पर मैंने इस तरह से पार्टीशन की है, कान वाली साइड से कुछ बालों को मैंने अच्छे से टाई अप कर लिया है कॉम करके. अब सेकेंड साइड से मैं निकाल रही हूँ और साइड वाइज मांग मैंने निकाली है और इस तरह से मैंने पार्टीशन करनी है ताकि ये भी बिल्कुल क्लीन रहे. ये आपने बहुत नोट करनी है एक चीज़ के ना, क्लीन होनी चाहिए बाल जो हैं वो बीच में क्रॉस ना हो रहे हैं, वो बहुत अनटाइडी से लगते हैं. और अब हम लोग स्टार्ट करेंगे बैक कॉमिंग. बालों को सिक्योर करने के बाद बैक कॉमिंग खुद करना बहुत टफ होता है. मेरे हाथों में इतना शदीद दर्द हो गया था कि मैं बता नहीं सकती, लेकिन स्टिल वीडियो बनानी थी आप लोगों के लिए. बहन इतनी ज़्यादा मेहनत करती है तो यार थोड़ा सा आप लोग भी करम नवाजी कर लिया करो, सब्सक्राइब वगैरह कर लिया करो, लाइक वगैरह कर लिया करो. अब यहाँ पे छोटे छोटे मैं पार्टीशंस ले रही हूँ और वहाँ पे मैंने बैक कॉमिंग करनी है. आज थोड़ी सी मैं ज़्यादा बैक कॉमिंग करूँगी क्योंकि मैंने थोड़ा सा ना इसको लिफ्टेड लुक देना है बैक साइड से, और फ्रंट से मैंने सोचा था कि मैं कर्ल्स करूँगी. तो इसी तरह मैं पार्टीशन करती जा रही हूँ, बैक कॉमिंग करती जा रही हूँ और आगे की तरफ बालों को फेंकती जा रही हूँ ताकि मर्ज ना हो बाल जो पीछे के बाल हैं और जो फ्रंट के बाल हैं उनमें. अच्छे से मैंने बैक कॉमिंग करनी है. बैक कॉमिंग यहाँ पर तो मेरे हाथों में ना लिटरली दर्द होना शुरू हो गया था, इतना टफ होता है ना खुद से बैक कॉमिंग करना, लेकिन बस मैंने हिम्मत कर ही ली थी थोड़ी बहुत. अब यहाँ पर मैंने हेयर स्प्रे किया है अच्छे से जो मैंने बैक कॉमिंग की थी ना वहाँ पर, ताकि बाल जो हैं वो स्टिक हो जाएं एक दूसरे के साथ. अब आहिस्ता आहिस्ता मैं अपने जो बाल हैं उनको ऊपर की तरफ ऐसे फोल्ड करके लेके जा रही हूँ ताकि बाल जो हैं वो कॉम करूँगी तो वो बिल्कुल नीट हो जाएँ. अब मैंने थोड़े थोड़े से बालों के ऊपर और ज़्यादा स्प्रे किया है और थोड़ा सा ना लिफ्ट किया है बालों को कि यहाँ से ये नीट लुक देना शुरू कर दे. जहाँ जहाँ मुझे लग रहा था कि थोड़े से ना बैठे में, वहाँ पे मैंने टेल कॉम से और ज़्यादा उठा दिए थे बालों को. अब यहाँ पे मैंने थोड़े से पार्टीशन जो मैंने निकाली थी ना साइड वाइज उसको पिन अप करके उसके ऊपर मूज़ लगाया है क्योंकि मेरे बेबी हेयर बहुत ज़्यादा हैं और ये इतने मुझे बुरे लगते हैं ना जब ये सेट नहीं हो रहे होते. तो अच्छे से आप देख सकते हैं कि मेरे बाल बिल्कुल सेट हो गए हैं, बैठ गए हैं. यहाँ पर मैंने अच्छे से बालों के ऊपर मूज़ लगा के उनको बिठाया. बेबी हेयर को बिठाना थोड़ा सा ना मुश्किल हो जाता है, तो मैंने ना मूज़ और हेयर स्प्रे दोनों जगह पर लगाया है और हेयर स्प्रे भी लगाया है ताकि ना मेरे बाल जो हैं वो बैठ जाएं. अब मैं इनको ना ऊपर की तरफ, दूसरी साइड के जो बाल हैं उनको ऊपर की तरफ कॉम कर रही हूँ ताकि ना थोड़ा सा लिफ्टेड सा लगे चेहरा, थोड़ा खिला खिला सा बड़ा बड़ा सा चेहरा लगे क्योंकि मैंने एक्सेसरीज़ ज़्यादा पहननी थी. जब आपने मांग टीका पहनना है और साथ आपने झूमर पहनना है ना, तो आपके बाल जो हैं वो एक तो सिक्योर होने चाहिए और ऊपर से आपके जो बाल हैं ना वो थोड़े लिफ्टेड होने चाहिए ताकि आपका फेस जो है वो छोटा ना लगे. छोटे फेस को अगर आपने कवर करना है ना तो आपने अपने बालों को इस तरह से सेट करना है. यहाँ पर मैंने अपना टीका जो है वो सेट कर लिया है क्योंकि ये बहुत इजी था टीका. सिर्फ मैंने पार्टीशन जहाँ से हुई हुई थी वहाँ से बस टीका क्रॉस किया. यहाँ पे मैं सिर्फ झूमर पहन के सेट कर रही थी कि मेरा झूमर फेस के ऊपर सही लग रहा है या नहीं. अब यहाँ पे मैंने ना इनवर्ड और आउटवर्ड कर्ल्स डालना शुरू कर दिए हैं. लूज कर्ल्स नहीं डालूंगी मैं आज, टाइट कर्ल्स करूँगी क्योंकि मुझे थोड़े से ना शॉर्ट बाल हैं तो मुझे ना थोड़े से ना अपलिफ्टेड बाल चाहिए थे. तो मैंने ना इनको टाइट कर्ल्स किए हैं और साथ साथ कर्ल्स करने के बाद मैंने स्प्रे किया और बाल में जो थे वो मेरे अच्छे से ना कर्ल्स ताकि खुले नहीं, और इस तरह के मैंने टाइट कर्ल्स किए हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स आवर मेकअप सेशन. अभी हम लोगों ने यहाँ पर लगाया है जी मॉइस्चराइज़र क्योंकि मॉइस्चराइज़र बहुत इंपॉर्टेंट है ड्राई स्किन के लिए ना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है आपकी स्किन प्रिपरेशन, इनफैक्ट ऑयली स्किन के लिए भी. अच्छा, सारे मेकअप ट्यूटोरियल जितने भी मैंने रिकॉर्ड किए हैं हमेशा मैंने मेकअप प्रोडक्ट्स वही वाले यूज़ किए हैं और टेक्निक्स भी वही हैं. हमेशा जो आपका मेकअप जो है वो डिफ़र करता है ना वो आई मेकअप से करता है. मतलब अगर आपने मेहंदी, बारात, वलीमा इनकी डिफरेंट लुक्स देनी है ना तो इनका आई मेकअप डिफरेंट होगा. अभी मैंने अच्छे से प्रिपरेशन की है, क्वेंसीरम लगाया है और प्राइमर वगैरह लगा के अब मैं अपने डार्क सर्कल्स को कलर कर
करेक्ट कर रही हूँ, यहाँ पे ऑरेंज कलर करेक्टर लगा रही हूँ और अच्छे से फिंगर से भी इसको ब्लेंड कर रही हूँ। जब हमारा आई मेकअप डिफरेंट होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा जो मेकअप है ना वो दूसरे दिन से या तीसरे दिन से डिफरेंट लगेगा। अच्छा, यहाँ पर ये मैंने हमेशा ये वाली सारी टेक्निक्स मैंने जितने भी ट्यूटोरियल्स अभी तक रिकॉर्ड किए हैं सब के अंदर बताया है। अभी यहाँ पर मैं अच्छे से अपने फाउंडेशन फेस के ऊपर लगा रही हूँ मुसरत मिसबा और एमएम सिल्क की और अच्छे से इसको ब्लेंड करूँगी। ब्लेंड करने के बाद हम लोगों ने उसी तरह कंसीलर लगाना है टार्ट का और हम लोगों ने उसको ब्लेंड करने है। ब्लेंड करने के बाद हम लोगों ने ये लूज़ पाउडर लगाना है क्रिस्टीन का। सारे नेचुरल शेड्स हैं, अच्छे अच्छे से शेड्स हैं जो मेरी स्किन टोन के साथ मैच करते हैं और थोड़ा सा उसको ना क्या कहते हैं थोड़ा सा लाइट है, लाइट सी फाउंडेशन है क्योंकि हम लोगों ने ना आज रेड लिपस्टिक्स साथ लगानी थी तो रेड लिप्स के साथ ना हमें थोड़ा सा ना डिफरेंट करना पड़ता है अपना फेस का मेकअप। अच्छा, अभी यहाँ पर मैंने ट्रांजिशन शेड लिया है लाइट ब्राउन, फिर डार्क ब्राउन शेड से थोड़ा सा क्रीज लाइन के ऊपर वो लगाया है। अभी मैं यहाँ पर ना डार्क ब्राउन और हल्का सा ब्लैक जो है वो मैं ब्लेंड किया हुआ है आउटर कॉर्नर्स पे। अब यहाँ पर मैंने क्लेजोना की ये वाली सीलर ली है, सीलर के ऊपर मैंने लूज़ ग्लिटर लगाया है गोल्डन कलर का क्योंकि मेरा जो ड्रेस था बहुत सिंपल था तो मैंने अपनी आईज़ को थोड़ा सा हैवी किया, लैशेस लगाई हैं, लाइनर लगाया है, मस्कारा लगाया है, ब्राउनजिंग कर रही हूँ अपने फेस की हल्की हल्की सी और हल्का हल्का सा मैंने ब्लश ऑन लगाया है। जब आपका रेड लिप्स होते हैं ना तो आपने मेकअप थोड़ा सा लाइट करना होता है और यहाँ पर मैंने अच्छे से अपनी लिप लाइन करने के बाद रेड लिपस्टिक लगा ली है। यहाँ पर मैं अपनी ज्वेलरी वेयर कर रही हूँ, बहुत ही प्यारी ज्वेलरी थी, इसकी डिटेल्स आपको मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर मिल जाएंगी और ये है जी फाइनल लुक। सो दिस इज द फाइनल लुक गाइज। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आप लोगों ने बहुत सारी चिट चैट को एंजॉय किया होगा और आप लोगों ने इस लुक को भी बहुत एंजॉय किया होगा। आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, मुझे इंस्टाग्राम पे और टिकटॉक पे आप लोगों ने लाजमी फॉलो करना है, शेयर करना है अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और ब्राइड टू बीज के साथ। जो लड़कियां कोई घर से अपने निकाह पे तैयार होना चाहती है तो इस तरह का लुक जो है वो क्रिएट कर सकती हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। वेडिंग सीरीज की और भी बहुत सारी वीडियोज अपलोड हो चुकी हैं, एंगेजमेंट की, मायों की, मेहंदी की और अब मैंने ये निकाह की लुक जो है आप लोगों के साथ शेयर की है तो आप वो वीडियोस भी चेकआउट करना नहीं भूलना। डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।